तो अभी हम आपको बताएंगे ड्रीम एलेवन में जो बैकअप सिस्टम है इसको बताएंगे पूरी तरह से, कैसे बैकअप प्लेयर ऐड करें, कैसे इसको क्रिएट करें। तो अभी मैं देखिए इसमें ओपन करता हूँ, पूरा फुल प्रोसेस बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो अभी हम एक टीम क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी एक मान लीजिए। हम थोड़ा तेज़ी से क्रिएट करेंगे, अभी देखिए मैं कैप्टन या कुछ भी किसी को बना लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बैकअप प्लेयर नहीं ऐड हुआ, तो अभी आपको बैकअप प्लेयर करना है। तो इस पर देखिए क्रिएट है ना, माई टीम क्रिएट किया हूँ। अब यहाँ बैकअप पे, यहाँ पे जो है ये बैकअप प्लेयर पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बैकअप प्लेयर आ जाएगा। इसमें देखिए चार लोगों का बैकअप हो गया, सब एक ही टीम से हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, सब एक ही टीम से हैं। थोड़ा हम एक लोगों को चेंज कर देते हैं, एक आध टीम को अलग कर देते हैं। इधर से ले लिया जाता है यच। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, अभी कोई कंटेंट नहीं हमने ज्वाइन किया, अभी यहाँ पे इसे ओपन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें बैकअप कैसे मिलेगा। बैकअप मान लीजिए इसमें अभी उमर मलिक बॉलिंग नहीं करेंगे, या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक यहाँ से एक बैकअप आ जाएगा, प्लेयर यहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से इनके उमर मलिक का, तो यच ड्रॉप करके या कोई भी एक यहाँ से प्लेयर चला जाएगा इसकी जगह पे। अगर बॉलर में रहेगा मेरे पास तभी जाएगा, बॉलर में नहीं है तो नहीं जाएगा एक भी। ठीक, ऑलराउंडर में रहेगा तो ऑलराउंड में चला जाएगा, बैट्समैन में रहेगा तो बैट्समैन में जाएगा, ऐसे इसमें बैकअप होता है। ठीक, तो अभी इधर देखिए ये है, बैक करेंगे थोड़ा सा। अभी मैं एक टीम बनाया था जिसमें ऑटोमेटिक बैकअप हुआ था, ये देखिए ये टीम है, इसमें बैकअप हो गया था मेरा। अभी देखिए यहाँ पे है जो यश खान करके नहीं खेल रहे थे, मैंने यम नवाज को लिया था, ये नहीं खेल रहा था, ये ऑलराउंडर है। ठीक, यहाँ पे मैं एक ऑलराउंडर सेट किया था। ठीक, तो अभी ये मेरा एक ऑलराउंडर यहाँ ऑटोमेटिक बैकअप हो गया। देखिए यहाँ पे बैकअप दिखा रहा है ना, बैकअप का यहाँ बैकअप हो गया। तो इस तरह इसमें बैकअप होता है, मतलब इसमें आप बदल नहीं सकते हैं खुद कि हम नहीं सोचिए ये प्लेयर अच्छा नहीं चला तो इसको बदलेंगे, क्योंकि जो खेलेगा उसको नहीं आप बदल सकते हैं। तो बैकअप का मतलब यही है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिनको बैकअप ना समझ में आए कैसे क्या होता है तो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।